हे एवरीवन, वेलकम बैक। भूले भटके ही सही, लेकिन मैं नई वीडियो लेकर आ ही गया। पता नहीं कंसिस्टेंट कब रह पाऊंगा, लेकिन कोई नहीं, जद्दोजहद जारी है। आज की ड्राइंग देखने के बाद आपको एक अलग तरह की खुशी जरूर महसूस होगी। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनकी बनाई है वो है ही इतनी प्यारी कि उनसे नज़रें ही नहीं हटती। और अगर आप इन्हें मुस्कुराता हुआ देख लो तो फिर आप परमानंद की स्थिति पर पहुँच जाते हो। हाँ, तो मैं कहाँ था? आंखें, मुस्कान, ड्राइंग। मेरे साथ ये हमेशा ही होता है। खैर, पहले पेपर्स के बारे आपको बता दूं। मैं 250 GSM अल्ट्रा स्मूथ ब्रिस्टल पेपर यूज कर रहा हूँ। ये कैंसन ब्रांड की हैं और A4 साइज की हैं, और पेंसिल्स हमेशा की तरह स्टैडलर की ब्लू और ब्लैक वाली। पेपर्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि पैचेस आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये दो तरह के पेंसिल्स यूज करने की वजह से है। खैर, एक बार प्योर ग्रेफाइट से इस पर कुछ बनाकर देखूंगा, तभी शायद पता चले कि आखिर माजरा क्या है। अब बात करते हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट आमना शरीफ की। 2003 में इन्होंने एक टीवी सीरियल के ज़रिए डेब्यू किया था और पूरी टीवी इंडस्ट्री में मानो एक लहर सी दौड़ गई थी। ऑडियंस तो इनकी खूबसूरती, सादगी और अदाकारी की ऐसी दीवानी थी कि जहां देखो बस इनके ही चर्चे थे। हर किसी के जुबान पे बस कशिश कशिश और कशिश ही होता था। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता, कशिश इनके कैरेक्टर का नाम था। असली नाम से इन्हें कोई पहचाने या ना पहचाने, कशिश नाम से इन्हें सब पहचानते हैं। लड़के तो इनके दीवाने थे ही, लेकिन लड़कियां तो और भी ज्यादा दीवानी थी। लड़कियां बाजार जाकर दुकान वाले से कहती, भैया कशिश वाली ड्रेस दिखाइए, और सारी लड़कियां इनकी वाली ड्रेस पहनकर ही घूमती थीं। मैं सबको देखता था। अरे मतलब वैसे नहीं, इन अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी जनरल वे। बहुत ज्यादा बदमाश हो आप लोग, मुझसे कुछ भी बुलवाते हो। खैर, ड्राइंग की बात करें तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सही रेफरेंस इमेज ढूंढना। और अगर आप मेरी तरह किसी ऐसे को ड्रॉ कर रहे हो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, तो आपके दिल और दिमाग के बीच मानो जंग सी छिड़ी हुई होती है। दिल सबसे मुश्किल तस्वीर ही चुनता है और दिमाग कहता है अपनी औकात में रहे, सिंपल वाला चूज कर ले। और फिर मैं हमेशा की तरह अपने दिल की ही सुनता हूँ और सबसे मुश्किल तस्वीर ही चुनता हूँ। अब इस तस्वीर में ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाल हैं इसमें, हवाओं में उड़ते हुए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मुझे लगा नहीं था कि मैं बना पाऊँगा, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है। बाद बाकी थोड़े और डिटेल्स निकाल पाता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन मैं इतने से भी खुश हूँ।
अच्छा हाँ, मुझे याद आया, क्या आप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो? दरअसल पहले से ही YouTube पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि मेरा मन नहीं होता, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बनाया करूँगा। अब इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग डिटेल्स बाकी हैं, इन सभी को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।